सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैं तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सेक्शनिंग के तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी वीडियो लेक्चर में, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ वो सेक्शनिंग का ही फोर्थ टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शनिंग के हम तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे, आज इस टॉपिक की मैं बात करता हूँ सेक्शनिंग की। वो है लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो तीन सेक्शनिंग मैंने अपने वीडियो में दिखाई थी, तो आज उसी का हाफ इन सेक्शन का लास्ट टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो एक हम एक क्यूबॉइड लेते हैं, इसकी ये सेंट्रल लाइन है वाई वाई एक्सिस पर, ये सेंट्रल लाइन एक्स 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 पर है। ऑलराइट, इधर से हम इसका फ्रंट व्यू शो करते हैं, दिस साइड से हम इसका साइड व्यू शो करते हैं, एंड दिस साइड स्टॉप व्यू। एक सेंट्रल लाइन हम यहाँ शो करते हैं साइड व्यू की वाई वाई एक्सिस पे, एक सेंट्रल लाइन हम यहाँ शो करते हैं एक्स एक्स एक्सिस पे, टॉप व्यू से देखने पर एक सेंट्रल लाइन हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं सेंट्रल लाइन, एंड एक वाई वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। फ्रंट से देखने पर वाई वाई एक्सिस पर जो सेंट्रल लाइन है उसके जो राइट साइड वाला हिस्सा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज राइट साइड। सेंटर एक्सिस से लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, दैट इज लेफ्ट साइड। सेंटर एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस पे जो सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज अपर सेक्शन, अपर पार्ट, एंड दिस इज लोअर पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज लेफ्ट हाफ इन सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट व्यू से देखने पर जो वाई वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है इसको हम आज सेक्शन करेंगे। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू से देखने पर हमें इसकी लेंथ और हाइट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं दिखाई दे रही। सपोज दैट इन केस अगर हम इसकी लेंथ को सपोज दैट 100 mm माने और इसकी हाइट 60 mm एंड विच ब्रेथ इज सपोज दैट 50 mm, देन फ्रंट से देखने पर हमें इसे लेंथ एंड हाइट दिखाई दे रही है लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं दिखाई दे रही। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जिस वस्तु का जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उसका आधा कर हम कट कर देते हैं। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हम कट कर देते हैं, मींस फ्रंट से देखने पर सेंटर एक्सिस वाई वाई एक्सिस पे जो सेंटर एक्सिस बनी हुई है
सेंट्रल लाइन बनी हुई है उसके लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है इतना हिस्सा हम कट करके अलग कर देंगे हाफ तक, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये इतना पार्ट। मीन्स अगर मैं इसके कटे हुए सेक्शंस को शो करूं तो वो हमें कुछ इस टाइप का शो होगा। ये कटा हुआ हिस्सा है जो मैं शो कर रहा हूँ, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो कटा हुआ पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसकी सेक्शनिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी सेक्शनिंग लाइन है जो हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ओके, अब जो बचा हुआ पार्ट है कुछ इस टाइप से बचेगा। ये कुछ इस टाइप से बचेगा। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है जो सेक्शनिंग के बाद हमारा पार्ट बचेगा। यहां पर हम हैचिंग लाइन शो कर देते हैं। तो दिस साइड इज राइट साइड एंड दिस साइड इज लेफ्ट साइड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फ्रंटल लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं इसके साइड व्यू पर। साइड व्यू पर अगर मैं देखूं तो वाई वाई एक्सिस के राइट साइड वाला हिस्सा हमारा राइट साइड, सेंटर एक्सिस वाई वाई एक्सिस पे जो सेंटर लाइन है उसके लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है हमारा वो लेफ्ट पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब साइड व्यू से हम देख रहे हैं और साइड व्यू को अगर हम कट करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कितना कट होगा, दिस वन, ये पार्ट, इतना पार्ट हमारा रिमूव हो जाए, दिस वन। तो मैं कटिंग हुआ हुआ सेक्शन मैं आपको यहाँ शो करूँगा। सबसे पहले मैं कट हुआ पार्ट यहाँ शो करता हूँ। ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है इसका राइट साइड, लेफ्ट सेक्शन जो हमारा रिमूव हुआ पार्ट है दिस वन, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं यहाँ शो करता हूँ।
स्टार्ट शो होगा। यहाँ पर हम मैचिंग लाइन शो कर देते हैं। दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट। फ्रंट से दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट पार्ट। स्टूडेंट्स ये हमारा साइड व्यू। ओके स्टूडेंट्स अब आते हैं टॉप व्यू पर। अब चलते हैं टॉप व्यू लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स टॉप से देखने पर जो वाई वाई एक्सिस की सेंटर लाइन है इसके जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होगा दैट इज अ लेफ्ट पार्ट एंड राइट साइड वाला पार्ट इज राइट पार्ट। ओके अब टॉप से देखने पर इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दिखाई देगी लेकिन हाइट नहीं दिखाई देगी हमें। मीन्स टॉप से देखने पर इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दिख रही है लेकिन ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही है, ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है सेक्शनिंग के दौरान जो वस्तु का जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उसका आधा करके हम कट कर देते हैं। मीन्स यहाँ तक हम शो करेंगे, इसको कट करेंगे। मीन्स यहाँ से अगर हम स्लाइस चलाएँ तो यहाँ से कट करते हुए यहाँ तक हम इसको कट करेंगे इतना पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं वो कटा हुआ हिस्सा मैं शो करता हूँ यहाँ पे, जो कटने के पश्चात हिस्सा हमें मिलेगा। दिस ये हमारा पार्ट है, शो कर देता हूँ लेफ्ट साइड। और यहाँ पर हैचिंग शो कर देता हूँ। अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं शो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्ट है इसके सेंटर तक रहेगा। हैचिंग हमारी यहाँ पर भी आएगी लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। मीन्स राइट साइड दिस इज द लोअर पार्ट। यहाँ पर अगर शो करूँ सेंटर एक्सिस सेंटर लाइन वाई वाई एक्सिस पे दिस इज द लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट, दिस इज द। ओके स्टूडेंट्स अब हम इसका प्लान एलिवेशन और साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं 100 एमएम है तो सेंट्रल लाइन से 50 इधर और 50 इधर। हाइट है इसकी 60 तो 60 में इसको ऊपर उठा लेता हूँ।
दिस वन, अब इसकी सेंटर एक्सिस देखते हैं, एक्स एक्स एक्सिस पे 60 का हाफ करके यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और हम यहाँ पर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट इसकी डायमेंशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ, सपोज दैट ये 30 और यहाँ मैं प्रोजेक्शन लाइन ले लेता हूँ, और सपोज दैट दिस इज 20, तो 10 ऊपर 10 नीचे और सेंटर से 15 इधर 15 इधर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस सेक्शन हुए पार्ट को अगर हम देखें फ्रंट से, तो राइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट जो कि कट कर अलग हो चुका है, यहाँ पर हमारी हैचिंग लाइन आ जाएगी। हैचिंग लाइंस 45 डिग्री एंगल पर करते हैं, अब इनको प्रोजेक्शन ले जाते हैं ऊपर लाइंस को, अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप ड्रॉ कर रहे हैं, तो टॉप से देखने पर इसका हमें राइट वाला जो पार्ट है वह एज इट इज दिखाई देगा, बट जो लेफ्ट वाला पार्ट कटकर अलग हो चुका है, इसमें ये दोनों लाइंस ऐड हो जाएंगी, मींस ये दोनों लाइंस फर्म आएगी, ये दोनों लाइंस डॉटेड आएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी टू लाइंस और हम प्रोजेक्ट ले जाते हैं, प्रोजेक्शन कर लेते हैं ऊपर, ये प्रोजेक्शन लाइंस भी हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, बिकॉज 2H पेंसिल इज द हार्डेस्ट पेंसिल। जनरली हम ड्राइंग के अंदर 3 टाइप्स की पेंसिल्स यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, H, 2H एंड HB। देन सबसे पहले टॉप से देखने पर ये लेंथ हमारी यहाँ पर आ जाएगी, दिस वन, और जितनी ऑब्जेक्ट की ब्रेथ है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स जितनी इसकी ब्रेथ है मीन्स 50, तो 50 हाइट पर ऊपर चल रहे, दिस वन इज 50, दिस वन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस हमें दिख रही हैं, विजिबल हो रही है, तो ये दोनों लाइंस हमारी फॉर्म आ जाएंगी, बट ये वाली लाइन हमें नहीं शो हो रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो ये लाइन हमारी डॉटेड आ जाएगी। और कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो जो पार्ट हमारा कट चुका है वहाँ पर हम हैचिंग कर देते हैं, इट्स कॉल्ड अ हैचिंग लाइन। ऑलराइट, अगेन हम एक हेल्पिंग लाइन लेते हैं 45 डिग्री पर, और प्लान से प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, एलिवेशन से भी हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, एक सेंट्रल लाइन आ जाती है यहाँ पर 50 का हाफ 25 पर, इस सेंट्रल लाइन को भी हम नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एक कंटिन्यूस एक डॉट, एक कंटिन्यूस एक डॉट, कंटिन्यूस एक डॉट, कंटिन्यूस एक डॉट, इस द कंटिन्यूस लाइन प्रोजेक्शन लाइन। कंटिन्यूस थिक लाइन,
ऑलरेडी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास साइड व्यू के फोर पॉइंट्स मिल गए हैं, मीन्स दिस पॉइंट इज दिस, दिस पॉइंट इज दिस, दिस पॉइंट इज दिस एंड दिस पॉइंट इज दिस। तो अब ड्रॉ करते हैं यहाँ पर साइड व्यू। साइड व्यू हमारा ऐसे शो होगा। ऑलराइट। अब साइड व्यू से हम साइड से देखने पर हमने जो सेक्शन किया था ये पार्ट है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट। साइड से हमने जो लेफ्ट साइड इसका कट किया था वो ये रहा, और रिमेनिंग जो पार्ट था हमारा वो ये रहा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर साइड से देख रहे हैं तो ये पार्ट हमें ऑलरेडी पूरा दिखाई देगा, हमें सेंटर लाइन से राइट साइड वाला, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो हमें कटा हुआ सेक्शन दिखाई देगा। मीन्स ये और ये लाइन, ये दोनों की दोनों लाइनें हमें फर्म दिखाई देंगी, मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन। बट इस लाइन, ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से डॉटेड जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइनें हमारी डॉटेड हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लाइन्स हमारी दोनों फर्म हो जाएंगी एंड दिस लाइन इज डॉटेड लाइन। और यहाँ पर हम इतने पार्ट को हैचिंग से शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एलिवेशन, एलिवेशन लेफ्ट हाफ इन सेक्शन, प्लान विद लेफ्ट हाफ इन सेक्शन एंड साइड व्यू विद लेफ्ट हाफ इन सेक्शन कंप्लीट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हाफ इन सेक्शन की मेरी चारों के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको फुल इन सेक्शन शो करूँगा, फुल इन सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। All right.